है अपन अभी और क्यों लाइव है मुझे भी नहीं पता। मैं अराउंड करीबन 5 मिनट सोचा मैंने कि मतलब मैं लाइव आऊंगा तो क्या बात करूंगा। मेरी लाइव आने की इच्छा थी पर ये नहीं पता था मैं क्या बात करूंगा, तो मैं अभी यहाँ पर हूँ। ये समझ लो मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है सच बात करने का, बस मेरे को लाइव जाना था इसलिए मैं हाजिर हो गया। हेलो हेलो साक्षी, हेलो तौहिद, हेलो डीके, हेलो जुनेजा, लक्ष्य, युवराज म्यूजिक, हाय दर्शन कलाल भाई, हेलो प्रिया खुशी, हेलो वर्मा 3681, तांदेल बाची, हाय हाय भारती पलेवर, हाय विश्व सेठ, हाय प्रिया, हेलो फातिमा अहद, कुणाल वर्मा, आई जस्ट ओपन एंड न्यू लाइव। यार भैया आप क्या बात कर रहे हो यार, क्या ये मेरी आंखें सही देख रही हैं क्या? कुणाल भैया अभी लाइव है हमारे साथ में, क्या बात है। जैन चित्रांश भी है, हाय जैन चित्रांश। अरे कुणाल भैया यार बताओ यार, आपके गाने ने तो मतलब फोड़ दिया यार, फाड़ू फाड़ू। और कैसे हो आप, और भाभी कैसी हैं? प्रणव हाय कह रहा है, हेलो चेतन, हाय केडी शर्मा, हेलो विनीता निर्वाणी, हाय शेफाली डागा, हाय पिंकी शर्मा, हेलो अंजलि 0813, हाय शुभम बागड़ा, आई यूनिस खान, हे हाय हे खुशबू 2552। क्या यार ये बड़ी शानदार सी बात लगती है इंस्टाग्राम की, सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐसे हो सकता है, ऐसे नाम नामों के अंदर नंबर और इस तरह थोड़े रोबोटिक नाम हो सकते हैं जैसे मोहित गौड़ 7991। डीवी के बीट बॉक्सर भी अपने साथ में है और अपने भाई डीवी के का मस्त शो आने वाला है अभी जल्दी, और जैसे ही मेरे को डीवी के बोलेगा अपन फिर भाई साहब शानदार अपन मजे करेंगे, मतलब सब साथ में भाई का शो आने वाला है टीवी पे। कुणाल भैया कह रहे हैं ऑल वेल, एवरीथिंग इज सुपर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू भैया, थैंक यू। और कुणाल भैया और मेरी तरफ से आप सबको सॉन्ग, फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। ये कुणाल भैया यार, आई मिस यू यार, मस्त हो आप। श्वेता कह रही है बाय द वे 7991 का मीनिंग क्या है? अरे 7991 का मीनिंग है कि अपना बर्थ डेट है 7 सितंबर 1991, तो वो है अपना 7991। वेंडी इज हैप्पी, हाय वेंडी। बताओ बंधु, बंधु कहता हूँ मैं उसको, वंदना को, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और अब तो ये मेरी मैनेजर भी हो गई है, तो वंदना वंदना भी लाइव है क्योंकि वो ऑफिस अभी जस्ट फ्री हो गई होंगी। कल हमने बहुत ही शानदार खाना खाया साथ में, मतलब इतना शानदार कि इतना शानदार। कुणाल भैया कह रहे हैं साउंड्स ऑसम, ग्रेट गोइंग, कैरी ऑन। ओके भैया थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपको सारे आपके सॉन्ग्स के लिए। एंजल कह रहे हैं हाय, हाय एंजल, हाय मुंदर मुंडा धार राधिका, सिंग अ सॉन्ग, विच सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग गाऊं बताओ? रिया बाय शकियार, अक्षांत सिंह विद पटेल, वेंडी इज हैप्पी कह रही है जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम वर्क। और बहुत शानदार सी बात है, मेरा ना बहुत प्यारा दोस्त है वैभव पानी, जिसका बहुत अमेजिंग बैंड है द येलो डायरीज। वैभव वही जिसने अपना उसका पूरा म्यूजिक बनाया, वहीं का जो म्यूजिक आप सुनते हो ना वैभव ने पूरा क्रिएट किया है, तो वैभव अपना बहुत अच्छा दोस्त है और कभी कभी वो भी आ जाता है लाइव अपने साथ में। और वंदना जो अपनी दोस्त है वो वैभव और वैभव के पूरे बैंड की बहुत बड़ी फैन है, उसने कल ही मुझे बताया, तो हर बार जब भी उनकी लाइव चैट होती है या उनका कोई भी पोस्ट होता है तो उसमें वंदना मेक श्योर करती है कि वो जरूर मतलब एंगेज करे, उनसे बात करे। बहुत बड़ी फैन अपनी वंदना उनकी, और मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, वैभव का तो था ही, फिर उसके बैंड का भी हो गया जब उनका सॉन्ग आया नया मर्ज। और पुनीत राज कह रहे हैं सिंग अ सॉन्ग वहीं मोहित, अच्छा वहीं वहीं किस किस को सुनना है, किस किस को सुनना है, वहीं जिस जिसको भी वहीं सुनना है वो वहीं कमेंट करो, वहीं WAHIN, और जिस जिसको वहीं नहीं सुनना वो कमेंट करो नहीं। यार ये कितनी बार कर लिया यार मैंने, पुराना गेम नहीं हो गया, लेकिन हाँ यार अब सही है, वहीं और नहीं बहुत अच्छा राइम करता है, और मुझे ऐसी इच्छा होती है कि जो भी राइमिंग चीजें उनको यूज करो,
उनका यूज किया जाए, उनका इस्तेमाल किया जाए, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो दर्शनी गाम डीजेड कह रही है वही, हिमाली भाग देव कह रही है मुझे नहीं नहीं, जिसको वही सुनना है उनको वही कमेंट करना पड़ेगा। फाइनल डेस्टिनी कह रहे हैं वही, क्या बात है, फाइनल डेस्टिनी से मुझे फाइनल डेस्टिनेशन याद आती है बार बार। नीति का गोहल कह रही है वही, मैथिली कह रही कपकेक सॉन्ग, नुपुर कह रही है हेलो, प्रज्ञा 7034 कह रही है वही, तो ठीक है वही सुना है आपको। कितनों ने साचे रिश्ते धागे, रेशम सी डोरी खींचे बांधे, पर मैं न सुनता तोड़ धागे, छोड़ के पिंजरा पीछे मैं आगे, अब बस यहां पे मन लगता नहीं, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, जिस जगह तू होता है, जहां कंधे पे मेरे सड़क के सोता है, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, 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 ऐसा मोर के सारे पंख खुले, वैसा ही मैं जागा जागा सा। हा 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 हा, मुस्कान करिए हाय कैसे हो मोहित, लव यू सो मच, आई लव यू टू यार, और थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए आप सबका। श्रेय रक्षा कह रही है प्लीज कपकेक सॉन्ग एक बार। कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज दू, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे महके तेरे पास में गुलाब हो, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तू मेरा कपकेक है, तो ऐसा कपकेक। मोहित गॉड बिग फैन, हा वाओ थैंक यू। यजुष चतुर्वेदी म्यूजिक, हे ब्रो, हे यजुष चतुर्वेदी, हे निशी, हे श्रुति प्रकाश, हे अंकित सोनी, शुभ्र संतु, वी एस वी स्मिता, मेरा वाला क्यूट म्यूट गा दो। यार वो तो मुझे याद नहीं है, नहीं तुम पक्का गाता। तो इन्होंने ना अपन को, अभी मैं अहमदाबाद मीट एंड ग्रीट गया था ना, और अहमदाबाद प्रमोशन के लिए गया था वहीं सॉन्ग की, तो इन्होंने खुद का लिखा हुआ एक सॉन्ग मुझे सुनाया था क्यूट म्यूट करके, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था यार। और अब तुम बताओ तुम सब कैसे हो, अभी बस अपन तुम सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तुम सब बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है, मस्त एकदम। अंकित सोनी कह रहे हैं चन्ना मेरे यहाँ, गोविंद कह रहे हैं भाई चन्ना मेरे यहाँ, वो लास्ट में गाऊं अच्छा चलता हूं ऐसे बाय बाय करता हुआ है, लास्ट में गाते हैं अपन उसको, गुड बाय सॉन्ग होगा वो अपना। पीछे अगर तुमको बैकग्राउंड में मिनी मिलिशिया की आवाज आ रही है छिक छिक टा, तो मेरा भाई खेल रहा है मिनी मिलिशिया और मेरे को बहुत पसंद है। ईशु जैन कह रहे हैं झमाझम झमाझम झा, ये कौन सा गाना भाई। हिमाली भागदेव कह रहे गुजरात में राजकोट कब आओगे, आई होप सून यार, अभी मैं सूरत और अहमदाबाद तो आया ही था। दीक्षा तिवारी कह रहे हैं प्लीज सिंग तारीफ करूं क्या उसकी, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया। और मुझे कमेंट आया कि अरमान सिद्दीकी का हाय, यू नो आदिल फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी इज माय ब्रदर। आदिल पूरा नाम क्या है ब्रो, आदिल आप पूरा नाम मुझे बताओ, शायद मुझे याद होगा। अनुज पटेल
अरे आदल सिद्दकी तो होगा अगर वो आप ब्रदर कह रहे हो तो। मैं भी क्या बुद्धू, मेरा एकदम से ट्यूबलाइट जली। वो क्या है, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था ना, तो मुझे क्या है कमेंट्स पढ़ते पढ़ते वो मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। और मल्टीटास्किंग क्या बोल रहा हूँ, मल्टीटास्किंग में ना बहुत ही ज्यादा शानदार कम हूँ, कम शानदार हूँ। मैं एक चीज पे फोकस करके अच्छा बोल सकता हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अध्यासा कह रहे हैं भुवनेश्वर कब आओगे, साई अनवाइंड में वी सॉ यू, क्या बात है अध्यासा। आई ऑल्सो रिमेम्बर कमिंग इन योर स्कूल साई, साई इंटरनेशनल, और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था यार मेरा। क्या मेरा बैंड उस टाइम मेरे साथ में ही था, फिर भी हमने कोशिश करी थी थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करने की। अमृता निराला हाउ आर यू, मैं एकदम अच्छा हूँ। अमृता तुम कैसी हो। मानसी वर्मा वर्मा कह रहे हैं आपकी वॉइस अच्छी है, थैंक यू भाई। शिवानी जसवाल इलाहाबाद कब आओगे, आई होप सून। मनु उदयपुर आओ के, अंकुश शुभ इंदौर कब आओगे। सब अपनी अपनी सिटी बता रहे हैं, मतलब बताओ इंदौर का भी प्लान कर रहे हैं यार। मोस्ट प्रोबली इंदौर और भोपाल शायद हम आएंगे वहीं के टूर के लिए, अभी प्लानिंग चल रही है, लेट्स सी क्या होता है। और आज मैंने मस्त अपने क्या बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए, तुमको पता है, तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे भी आज यकीन तब हुआ जब मैंने मतलब तेरे नाम देखिए, तुम सबने तेरे नाम में कैसे राधे वाली स्टाइल होती है ना, तो वैसे राधे वाली स्टाइल मैंने कर रखी थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हो गए। तुमको बताओ कितने लंबे हो गए, देखो जरा ये इतने लंबे हो गए अपने बाल, मेरे को तो खुद को आज ही यकीन हुआ इस बात पे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, ऐसा सब है मामला। क्या बात है यार। शिवानी जायसवाल करे कभी आओगे या नहीं, कहाँ पे आएंगे या नहीं, वहीं आए मोहित घर सब पलक के लिए बोलो। अरे जा रहे मोहित कमीने, तेरे को पता है ऑलरेडी पलक के बारे में। पलक अपना बहुत ही एक प्यारा सॉन्ग है जो मैं चाहता था बहुत पहले रिलीज हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया किसी कारणवश, किन्हीं वजहों से वो पलक रिलीज नहीं हो पाया। लेकिन पलक मेरे बहुत मतलब मेरे सबसे फेवरेट गानों में से एक है, और मैं आप सबको जरूर सुनाऊंगा। मोहित गर्ग को पलक याद है क्योंकि उसने टेडेक्स टेडेक्स जब अपने टेड टॉक करी थी जयपुर में, तब वो वहां पे ऑडियंस में था, और मैंने एक अपनी परफॉर्मेंस या अपनी टॉक खत्म होने के बाद में उनको पलक पूरा सुनाया था सॉन्ग। करिश्मा ऑफिशियल कह रही योर स्माइल, थैंक यू यार। अपनी क्या ऐसी है, मतलब ऐसी है। लवली सोनू कह रहे गलत फहमिया। नुरूपा वोरा दुर्जेश पटेल कह रहे अगर तुम साथ हो प्लीज। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, मेरी नजरों में है तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। हाँ तो निकिता लुनिया कह रहे हैं वहीं एंड कपकेक सुना दो, वहीं और कपकेक दोनों मैं सुना चुका हूँ। और वाह यार मेरे को इच्छा थी बस तुम सबसे बात करने की, पता नहीं था क्या बात करूँगा, और अभी कर ली, मेरा दिल बहुत खुश है। और अभी अपन सब जल्दी मिलते हैं, अगर आप सबने वहीं नहीं सुना है तो वहीं ज़रूर सुनिए। और नेक्स्ट सॉन्ग पे भी वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, पर फिलहाल अभी पूरा फोकस वहीं को और प्रमोट करने में है। मियाओं कह रही है एक तारा प्लीज। मियाओं तो मेरी बहुत खास दोस्त है, केटी इसको कहता हूँ मैं प्यार से, और ये मुझे मिली थी एमिटी मुंबई में, तो केटी के लिए मैं एक तारा जरूर गाऊंगा। और एक तारा कैसा थी, रुको तो फिर मैं थोड़ा इसको गिटार पे गाता हूँ यार, रुको अब मैं इसको थोड़ा सा टिका देता हूँ स्टैंड पे, और गिटार पे आपको सुनाता हूँ एक तारा, क्योंकि एक तारा मुझे बहुत पसंद है।
पर उसके लिए माइक को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लाउड सॉन्ग है एक तारा, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि माइक थोड़ा फट जाए एक तारा गाते गाते। रूह का बंजारा रे परिंदा, छट गया दिल का ये घरौंदा, छट गया दिल का ये घरौंदा, छोड़ के ये घरौंदा, छोड़ के गया तोड़ के, जनैना करूं बंद बंद बह जाए बूंद। तड़पाए रे क्यों सुनाए गीत मलार दे, गूंज सा है कोई गतारा एक नारा, गूंज सा है कोई धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई, गूंज सा है कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई। खोके कोई मैं कहानी, पूरी कहानी है क्या किसे है पता, मैं तो किसी की होके ये भी न जानी, रुत है ये दो पल की या रहेगी सदा, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनो को मुंद मुंद। जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनो को मुंद मुंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। तो ऐसी सब बात है, और अभी फिलहाल बीच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त का कॉल आ गया था, तो मैं क्या है उठा नहीं पाया, मतलब लाइव चैट कंटिन्यू नहीं कर पाया और उसको उठा भी नहीं पाया, उसका कॉल कट करना पड़ा मुझे। लुक छुप ना जाओ जी, सुनना है आपको। वो जरारी आख्या घूरती मर मन में लहरा झूमती रे झूम 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 झूम, थारी बोली ढाली सूरती कजरारी आख्या घूरती मर मन में लहरा झूमती रे झूम 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 झूम। बहुत टाइम बाद गा रहा था गाना, और बहुत टाइम बाद गिटार भी बजा रहा हूँ, गिटार बजाना एकदम छोड़ दिया है, छोड़ दिया मतलब मेरा थोड़ा ज्यादा फोकस बिना गिटार के गाना कंपोज करने पर है अपना, तुमको पता है वही ना, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के कंपोज हुआ था, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट पर बजाए हुए प्ले करे अपना कंपोज होता है। ज्यादातर मेरे गाने ऐसे ही होते हैं हवा में, मतलब हवा में धुन बनती है, ऐसे धुन टपकती है क्या क्या नहीं होता धुन के साथ में, और फिर अपना गाना मतलब बन जाता है।
तो वहीं ऐसे ही बना था। किस दिन तुमको और डिटेल में बताऊंगा कि वहीं वहीं की स्टोरी। ऋषा कह रही है अरे वाह शुक्रिया दोस्त। ग्रैंड मास्टर आशीष, ग्रैंड मास्टर से मुझे चेस याद आता है और चेस में बचपन में बहुत बढ़िया खेलता था मतलब। तो चलो तुम्हारा तुम्हारा है ना बचपन में सबसे फेवरेट गेम क्या था ये बताओ मुझे। मेरा बचपन में ना सबसे फेवरेट चेस था और क्रिकेट तो सबको पसंद होते हैं, क्रिकेट के अलावा कौन सा गेम तुम सबका फेवरेट था बचपन में ये बताओ मुझे। मेरा फेवरेट तो चेस था। मुझे ग्रैंड मास्टर का वो नाम देख के, ग्रैंड मास्टर आशीष का नाम देख के मुझे ना चेस याद आ गया एकदम से, और चेस में अच्छा खेलता था। अच्छा तो बताओ मुझे तुम सबका बचपन में सबसे फेवरेट गेम कौन सा था। झीकू बच्चा सबसे अच्छा कह रहा है लूडो। लूडो भाई मैं बहुत बेकार खेलता था। मोहित गर्ग ने का कैरम फेवरेट था, रचिन का भी लूडो। आशु कह रहे क्रिकेट थे सर, क्रिकेट के अलावा। अंशुमन चकाप कह रहे लूडो, क्या बात है यार लूडो मेरे को क्यों इतना पसंद था भाई, इतने साल लोगों को तुमको पसंद है। पल्लवी राठौर कह रहे हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक का हम देसी वर्जन खेलते थे क्या। नहीं नहीं हाइड एंड सीक का एडवांस वर्जन खेलते थे हम। बर्फ पानी ऐसा करिए उत्साह हमारा। निधार वीना कह रही है बैडमिंटन, इट्स मी विहान टेबल टेनिस। तान्या गिरी लूडो मॉम के साथ में खेलती थी। कुशाल रावल कह रहे माय फेवरेट गेम म्यूजिक। अच्छा राज द बियर्ड सम चेस, क्या बात है हाई फाई। तो मतलब चेस खेलने वाला, चेस भी कुछ लोगों का फेवरेट था, क्या बात है बड़ा अच्छा लगा सुन के। तान्या सिंह कह रहे अभी भी चेस बहुत पसंद है, मुझे भी चेस बहुत पसंद है बहुत ज्यादा मतलब, लेकिन अब मेरे साथ में कोई खेलता नहीं है। और एक बार हुआ क्या था पता है क्या, चेस खेलते खेलते ना मतलब हमारे स्कूल में होता टूर्नामेंट और अपन क्या है अपन अपने घर के चैंपियन थे, तो घर के चैंपियन को क्या थोड़ा घमंड होता है, घमंड नहीं मतलब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि भाई वो तो चेस में बाप है और उसको घर में कोई नहीं हरा पाया तो बाहर कौन हरा पाएगा। मेरा मैच हुआ था, मैं उस टाइम 8th क्लास में था, मेरी एज होगी करीबन शायद 13 14 हाँ शायद ऐसे कुछ एज थी मेरी 12 13। और मेरे सामने जो कॉम्पिटिशन था ना कॉम्पिटिटर था तेजस करके एक लड़का था, वो 8 साल का बच्चा था 8 साल का। तो मैंने चेस में क्या है उसको चैलेंज मतलब चैलेंज किया, हमारा टूर्नामेंट था 5 गेम्स था, 5 गेम्स में जो सबसे बेस्ट होता है फिर आगे के राउंड में जाता है स्टेट लेवल जाता है। तो मैं वो छोटे से बच्चे 8 साल का बच्चा और उसका उनके जो डैड थे वो ही साथ में उनके थे और वो मेरे सामने आए चेस खेलने के लिए। मैंने कहा कि अंकल क्या यार मतलब मन में ऐसा मन में कि यार अरे क्या बच्चे के साथ में पहला मैच तो यूं जीत जाऊंगा। फिर उसके डैड कहते हैं ऐसी थोड़ी बात बात हुई जब गेम चालू हो गया, उसके बाद में उसके डैड बताते तेजस लास्ट ईयर का स्टेट चैंपियन है। मैंने क्या बताओ जरा स्टेट चैंपियन 8 साल का बच्चा और मतलब उसने जो तो मुझे धोया। पर उसकी ट्रिक ना मैंने क्या लर्न कर ली और उसके बाद में जितनी मैच हुए ना उनमें से 4 मैच हुए उनमें से मैं 2 जीता था और दोनों मैंने उसी की ट्रिक पेल के अपन क्या जीत गए। ऋतु कह रहे हैं चेस इज माय फेवरेट गेम, चेस तो अपना ही। उत्तम नव कह रहे हैं आपने चेस कहा तो लड़कियां भी चेस कह रही हैं। नहीं यार चेस काफी लोगों का फेवरेट गेम हुआ करता है, मेरे को कैरम भी बहुत पसंद था, मेरा फेवरेट क्रिकेट भी था और लेकिन चेस मेरा थोड़ा ज्यादा फेवरेट था। और मोहित ओहालिक कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा मेरा कमेंट स्क्रॉल अप हो गया। अनमोल बंसल हंसने का, तन्वी तरानी कह रहे हैं हाय हाय तन्वी तरानी। तो अभी हम सब जो अभी नए लाइव चैट में जुड़े हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम ना अपने फेवरेट गेम के बारे में बातचीत कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो मेरा फेवरेट गेम चेस था, आपका फेवरेट गेम क्या है। कई लोगों ने कैरम बोला, कई लोगों ने चेस बोला, कई लोगों ने लूडो बोला, ज्यादातर लोगों ने लूडो बोला। मंजुल सिंह कह रहे हैं चेस, चेस कौन सा गेम था मुझे, अच्छा चेस को आपने चेस लिखा है गलती से। अग्रवाल लिरिया कह रहे हैं बट हम भी अपने घर में चेस के चैंपियन हैं। हाँ अपने यार घर के चेस के चैंपियन ही रहेगा, बताओ आगे नहीं बड़े जिंदगी में चेस में। तो ऊनो क्रीनू कह रहे हैं ऊनो, ऊनो तो यार अपने क्या अभी रिसेंटली मैंने ऊनो शुरू किया है और मैं ऊनो में लकीली जीत जाता हूँ जब मेरा लक चलता है, वैसे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती खेलनी। दर्शन रावल DZZ2 कह रहे हैं मेरी अंताक्षरी, क्या बात है अंताक्षरी। तो भाई अपन क्या अपन मतलब इंडियन लोगों की मेरे को ऐसा लगता है कि वो है कॉपीराइटेड है कि अपन अंताक्षरी तो अपने ही इन्वेंट किया है और अपन खेलेंगे खेलेंगे हर बार। अब थोड़ा कम हो गया, अब क्या अब थोड़ा फोन में ज्यादा अपन हो गया ना, तो जब भी हम सब मिलते हैं तो भी अपने अपने फोनों में लगे रहते हैं। किसी ने कमेंट किया था चोर पुलिस, क्या बात है हम चोर पुलिस की जगह बर्फ पानी खेलते थे, बर्फ पानी ऐसा करके शानदार सा गेम था। अंशु कह रहे हैं बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में मैंने भी कोशिश किया था बहुत ज्यादा। अरे शुक्ला कह रहे हैं माइन 8 ball pool, अच्छा तो अब ये फोन गेम की बात कर रहा है। अच्छा फोन गेम किसका सबसे फेवरेट कौन सा है, फोन में गेम्स तो खेलते ही होंगे, तुम इंसान के बच्चे हो ना तो फोन में गेम्स तो खेलते ही होंगे।
तो फोन में अगर गेम्स खोलते हो तो कौन सा खेलते हो? मेरा अभी करंट फेवरेट है मिनी मिलिशिया, उससे पहले मैं खेलता था मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस, उससे पहले मैं खेलता था आयरन मैन 3, और ऐसे मैंने बहुत सारे फोन में गेम्स खेले हैं। और मैं गेमिंग का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, मतलब बचपन में पूरे टाइम में वीडियो गेम्स ही खेलता रहता था। और ना मम्मी जब पैसे देती थी ना सामान लाने के लिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल जा चीनो जाके ओसवाल साबुन लिया, तो ओसवाल साबुन आता था 18 रुपए का, मेरे पास बचते थे 2 रुपए, और 2 रुपये में मैं खेलता था मस्त दुकान पे वीडियो गेम, टेकन टक 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 टक, ओ वाह। तो ऐसे करके अपन ने क्या है वैसे गेम्स बहुत खेले। तो तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है? कैंडी क्रश। अरे यार कैंडी क्रश ठाकर दिव्या ने कहा कैंडी क्रश उनका फेवरेट गेम है अभी, मतलब फोन में कैंडी क्रश। तो भाई इतने रिक्वेस्ट आते थे ना फेसबुक पे, मुझे समझ में नहीं आता था क्या गेम है। मुझे कभी भी वो गेम मतलब पर्सनली सच बताऊं मेरे को पसंद नहीं आया। वो जो वो होता है ना वो टेट्रिस भी ऐसा होता था जिसमें वो घर ऐसा होता था कि इसलिए पसंद नहीं आते थे कि मेरे से ना खेला ही नहीं जाता था वो। अगर खेला जाता तो मैं पक्का पसंद करता। निशी कैरी कैंडी क्रश, अरे बाप रे सबका। शिवानी का मेरा फेवरेट गेम है दर्शन के पीछे भागना है। दर्शन अगर तू ये देख रहा ना लाइव चैट तो देख ले, तेरे पीठ पीछे क्या बोलते हैं तेरे फैंस, तेरे पीछे भागना उनका फेवरेट गेम है। तो है ना मिस्टर जे कह रहे हैं पीयूबीजी करंट फेवरेट ऑफ ऑल प्लेयर्स। पीयूबीजी कौन सा गेम है ब्रो? जेनी ब्राउनी कह रहे सबवे एंड टेम्पल रन। टेम्पल रन तो मैंने ही बहुत खेला है मेरे मॉम के फोन में, उस टाइम मेरे पास फोन हुआ नहीं करता था जिस टाइम टेम्पल रन आया था, मतलब ऐसा फोन नहीं था जो मैं जिसमें टेम्पल रन खेल सकूं, तो मेरे मॉम के फोन में खेलता था मस्त। तो सबवे सर्फर्स किसी ने कहा है, सबवे सर्फर्स, अरे वाह यार। मेरा तो अभी फिलहाल मिनी मिलिशिया। मिनी मिलिशिया खेलता है क्या कोई बताओ जरा? मिनी मिलिशिया में आ जाओ गेम में अपन, क्या उसमें चैंपियन चल रहा है अभी घर के चैंपियन में। मतलब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने से पहले थोड़ी ड्रॉप डाउन कर दूं। आरती कह रही है बेस्ट गेम पीयूबीजी। पीयूबीजी कौन सा है? मोहित गर्ग कह रहे कॉन्ट्रा खेला है नहीं। दर्पण चावड़ा कह रहे वहीं नहीं अपन अभी गेम्स की बात कर रहे हैं, फेवरेट मोबाइल में आपका गेम कौन सा है। तो मोहित गर्ग ने मुझे कहा है उनका कॉन्ट्रा तो बचपन का फेवरेट था। अभी फिलहाल कौन सा तुम गेम खेलते हो अगर खेलते हो तो फोन में? हम ये मतलब सवाल जवाब कर रहे हैं, थोड़ा इंटरेक्शन कर रहे हैं। शर्मा इशू कह रही है हाँ मैं खेलती हूँ मिनी मिलिशिया। क्या बात करी शर्मा इशू, मिनी मिलिशिया खेलती है? तो वाह यार मिनी मिलिशिया वाले ना मुझे डीएम जरूर करना, अपन खेल सकते हैं कोई साथ में मैच, मतलब कोई टीम बना के देखो यार मजा आएगा। हाँ यार मिनी मिलिशिया जो भी खेलता है ना मुझे को एक बार डीएम करना अलग से, अपन मतलब मिनी मिलिशिया खेल सकते हैं। ऋषा बंसाली कह रहे मिनी मिलिशिया में मेरे को हरा के दिखाओ। आजा बेटा आजा, ऐसे कॉन्फिडेंस मत करो, मेरा लेवल अच्छा है मेरे पास में, सेकंड ल्यूटेनेंट की रैंक है मिनी मिलिशिया में अभी फिलहाल। सिल्वर बैच है रेक्टेंगल वाला। शॉर्ट गर्ल कह रहे मिनी मिलिशिया 2, क्या बात है। आर्या मोदी कह रहे कैंडी क्रश, बिल्कुल मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कैंडी क्रश कैसे खेलते हैं भाई। मोहित गर्ग कह रहे अपन भी यहाँ के चैंपियन है तो आ जाओ भाई मिनी मिलिशिया में। आज तो मिनी मिलिशिया गेम होएगा और कल पोस्ट होगी मिनी मिलिशिया में कौन जीता। ऐसी मजे ले रहा हूँ यार, आ जाओ मिनी मिलिशिया वालों। आरती शेवत कह रहे पीयूबीजी ट्राई करना मिनी मिलिशिया भूल जाओगे आप। पीयूबीजी क्या है फुल फॉर्म तो बताओ? पबजी। ऋषा बंसाली कह रही आ जाओ बेटा इट्स मी विहान पबजी। यार पबजी कौन सा गेम है? इतने सारे लोगों ने पबजी कमेंट किया है पीयूबीजी, अब तो ये मतलब पता ही करना पड़ेगा पीयूबीजी का फुल फॉर्म क्या है ये बता दो पहले मुझे। शुक्ला साजल कह रहे हैं आ जाइए कभी मेरे साथ में। ठीक है भाई आज तो मतलब चैलेंजेस पे चैलेंजेस मिल रहे हैं मुझे, मिनी मिलिशिया चैलेंजेस। आ देखें जरा बल 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 किस में कितना है दम, बल 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 जम के रखना कदम, बल 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 मेरे साथिया। पीयूबीजी क्या है? पीयूबीजी ट्रेंडिंग पे है, अरे बताओ तो सारी पीयूबीजी के बारे में। फिजा दोसानी कह रहे हैं यो इन्होंने ये कहा है या यूं कहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ कहा है। याचिक गोरी कह रहे पीयूबीजी कौन सा गेम है? हाँ भाई पीयूबीजी कौन सा गेम है। मी विमी कह रहे पीयूबीजी है सिर्फ कोई फुल फॉर्म नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है मैं देखूंगा। अनमोल बंसल कह रहे मिनी मिलिशिया मुझे कभी समझ में नहीं आया, बहुत शानदार गेम है, शुरुआत में मुझे भी समझ में नहीं आया था, सब मुझे मारते थे, मेरी मार देते थे, अब मैं उनकी मार देता हूँ। भाई साहब ऐसा है मतलब अपन ने क्या थोड़ा कर लिया है अपन। हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं एक्टिंग गेम है पीयूबीजी, पता नहीं यार देखना पड़ेगा अब तो। पापरी कह रही अरे कपकेक सॉन्ग गाओ ना। चलो ठीक है अब तुमसे इतनी देर बात करी अब मैं तुमको कोई गाना सुनाता हूँ।
एक लड़की थी जिसपे क्रश करता था, देख ब्लश करता था, और क्या करूं, नाम उसका था आयुषी, डर लगता था, सेमारश करता था, क्या करूं। फिर उससे बात होने लगी तो दिल दीवाना होने लगा, बढ़ रही थी दोस्ती और बस यूं ही हंसी खुशी मैं उसको कहने लगा। गिटार की कॉर्ड ऐसे तैस कर दी मैंने, क्योंकि इस वाले पार्ट में मैंने गिटार नहीं बजाया था, ये अपने आप कंपोज हुआ था बिना गिटार के, तो मेरे को कॉर्ड्स भी नहीं पता है, मैंने गलत बजाया, प्लीज मुझे माफ कर देना, और मैं इसके आगे नहीं गाऊंगा क्योंकि कपकेक मैं ऑलरेडी गा चुका हूँ लाइव चैट में। और मैंने पता है सच में सोचा था कि यार लाइव चैट मैं कैसे करूंगा, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं बात करने के लिए, मैं क्या बात करूंगा। अभी मुझे सोच रहा कि मैं लाइव चैट बंद ही नहीं करना चाहता, मुझे मजा आ रहा है बात करके, मुझे लिटरली मजा आ रहा है बात करके। और बात करते हैं अपन, और बात करते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। पीयूबीजी के बारे में तुमने आज मुझे बताया, अच्छा चलो अब तुम मुझे अपनी फेवरेट करंट फेवरेट सॉन्ग के बारे में बताओ, जरूरी नहीं तुम वही बोलो, जरूरी नहीं तुम कपकेक बोलो, तुम कोई बोल सकते हो। तो अभी तुम्हारा करंट फेवरेट सॉन्ग बताओ मुझे, तुम्हारा करंट फेवरेट तुम अपना बताओ, फिर मैं मेरा फेवरेट बताऊंगा। जसमीत कह रहे हैं योर वही सॉन्ग इज ऑसम, थैंक यू जसमीत, टेल मी अबाउट योर करंट फेवरेट सॉन्ग, कमेंट योर करंट फेवरेट सॉन्ग, लेट्स टॉक, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन। जेनम ही कह रहे हैं वही, क्या बात है यार। ब्लूमिंग बर्ड कह रहे हैं वही, वाह यार। कौशल कह रहे हैं भाई दर्शन का तेरा जिक्र, तेरा जिक्र तो भाई एक टाइम पे मेरा ही बहुत फेवरेट था, और अभी मैं दर्शन के नेक्स्ट सॉन्ग का वेट कर रहा हूँ, लवरात्रि। जैन चिंद कुमार कह रहे हैं वही, अक्कू शुभ कह रहे हैं जिंगाट, जिंगाट तो भाई मेरा फेवरेट है, और धड़क मूवी का जो ट्रेलर आया ना उसके बाद से तो भाई अपन मतलब अपन भी थोड़े वैसे हो गए कि भाई कैसी फिल्म होगी, शानदार सी। पर ज्यादा मैं वेट कर रहा हूँ संजू का, संजू मूवी का ट्रेलर देखकर तो भाई अपन फ्लैट हो गए, मतलब रणबीर कपूर वैसे अपन को बहुत पसंद है, रणवीर सिंह अपने फेवरेट है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने फेवरेट है, रणबीर कपूर अपन को बहुत पसंद है, और उनका जब मैंने वो ट्रेलर देखा ना संजू मूवी का, तब तो मैंने कहा कि भाई ये मूवी तो देखनी है, ये तो मतलब देखनी है। ऐसी ऐसी बहुत कम मूवीज होती है जिनसे मतलब अंदर से यू नो क्रेविंग्स आती है कि ये मूवी तो देखनी है मुझे। तो अभी फिलहाल अपन फेवरेट गाने की बात कर रहे हैं, फिर अपन फेवरेट मूवी की बात करेंगे, तो मुझे तुम बताना। तानी कह रही है संजू के लिए तो मैं भी वेटिंग, बिल्कुल यार मैं भी बहुत वेट कर रहा हूँ। कोई ऐसी मूवी है जिसका तुम बेसब्री से वेट कर रहे हो, मतलब जैसे मैं पहले एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लिए मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा था, उससे पहले मैंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के लिए बहुत वेट किया, बैटमैन ट्रायलॉजी मेरी फेवरेट मूवी है, फेवरेट मतलब फेवरेट। सिंघानिया कह रहे शब तुम हो दर्शु, मी गौरव जैन कह रहे गर्ल्स लाइक यू, अरे यार बहुत प्यारा सॉन्ग है मरून 5 का, Girls like you, na na na, girls like me, na 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 na, na 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 na। मेरे को अच्छे से आता नहीं लेकिन बहुत सुंदर गाना है, इसका वीडियो बहुत क्रिएटिव लगा मुझे, बहुत अमेजिंग लगा। चलो तुम सबकी फेवरेट मूवी बताओ मुझे, टेल मी अबाउट योर फेवरेट मूवी एंड आई विल टेल यू अबाउट माय फेवरेट मूवी। बहुत मुश्किल होता है कोई गेस करना है फेवरेट मूवीज को थी, तो चलो मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, टॉप 3 फेवरेट, ठीक है अब तुम्हारी मतलब मुश्किलात थोड़ी कम हो जाएगी। मेरी अपनी फेवरेट टॉप 3 फेवरेट मूवीज के बारे में बताओ मुझे, तुम्हारी फेवरेट टॉप 3 मूवीज। शुभ कह रहे हैं रांझना, करुणा कह रहे हैं सनम तेरी कसम, साहू पराडा तो गाना है शायद, गीत MP3 पे आया था पराडा, है ना, बहुत ज्यादा वायरल है अभी, शायद 40 मिलियन व्यूज हो गए उसके 3 वीक्स में, गजब गाना है गजब, उसका वीडियो मुझे बहुत पसंद आया। और ग्रैंड मास्टर कह रहे पद्मावती उनकी फेवरेट, फरहान कह रहे बाहुबली 1 और 2, रॉकस्टार कशिश सनम तेरी कसम, कल्पिश कह रहे हैं इश्क ज़ादे, दर्शन रावल कह रहे हलो, उन्होंने दर्शन रावल टू उनका फैन अकाउंट है, तो उनका हलो मूवी उनकी फेवरेट है शायद। और प्यार का पंचनामा 2 दर्शिंग गम की फेवरेट है, राज द बियर्डसम की 3 इडियट फेवरेट है, ऋतिक राणा की ऐ दिल है मुश्किल फेवरेट है, जेनी श्री की हैरी पॉटर फेवरेट है, नेल लव्स अवनी की फेवरेट मूवी हिचकी है, निशांत कह रहे हॉरर मूवीज जितनी भी है हॉलीवुड की वो उनकी फेवरेट है, हॉरर मूवीज में मेरी फेवरेट है कंज्यूरिंग,
और मेरे को अच्छी तरह से याद है कंज्यूरिंग मैंने देखी थी लैपटॉप में. कंज्यूरिंग कहते हैं जो भी कॉन्ज्यूरिंग कहते हैं, मेरे को प्रोनंसिएशन आज नहीं आया, मैं तो कंज्यूरिंग ही कहता हूँ. कंज्यूरिंग जब मैंने पहली बार देखी थी ना लैपटॉप पे देखी थी अपने भाई के साथ में, हिम्मत करके अकेले रात को 11-12 बजे. और वो देखने के बाद में मैं मेरी मॉम को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, मॉम मैं आज आपके पास में सो रहा हूँ. मेरे फट रही थी वो कंज्यूरिंग का वो सीन, खासकर जब वो जो उसकी अलमीरा होती है या वार्डरोब होती है उसके ऊपर वो खड़ी हुई होती है, तो मेरी फटली थी वो सीन देख के. और कॉन्ज्यूरिंग मेरी बहुत ही मतलब फेवरेट मूवीज, हॉरर मूवीज में अगर मेरी फेवरेट कहूँगा तो मैं कॉन्ज्यूरिंग ही कहूँगा. और बहुत डरावनी थी वो, बहुत डरावनी. काव्य कह रहे कॉन्ज्यूरिंग के पूरे 7 पार्ट्स. कॉन्ज्यूरिंग के शायद 2 ही पार्ट्स हैं यार. क्रिनम कह रही है एनाबेल देखना, वो भी बहुत मस्त है. एनाबेल भी देख ली भाई अपन को, क्या बहुत पसंद है. मोहित कर कह रहे हैं इंसेप्शन देख ली वापस. इंसेप्शन मेरी फेवरेट मूवी है, मैंने तुमको बताया नहीं, लेकिन मेरी top 3 फेवरेट मूवीज में इंसेप्शन है और इंटरस्टेलर है. और अभी फिलहाल वो जो डंकर्क आई थी ना वो भी मुझे बहुत पसंद है. और मुझे बैटमैन ट्रायोलॉजी बहुत पसंद है. और मैं क्रिस्टोफर नोलन का बहुत बड़ा फैन हूँ यार, मतलब उनकी मूवीज मुझे हद से ज्यादा पसंद है. मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब चटोरा हूँ उनकी मूवीज का मैं. क्रिस्टोफर नोलन की जितनी भी मूवीज आती है, मतलब लाइट्स आउट बेस्ट हॉरर मूवी, लाइट्स आउट बहुत अच्छी है. और माही कह रहे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई. जयदीप कह रहे हैं इंसेप्शन. टॉकलेट्स कह रहे हैं अरे कभी मिशन इम्पॉसिबल में आओ. टॉम क्रूज यार वो भी मुझे बहुत पसंद तो नहीं है, सच बताऊं तो मिशन इम्पॉसिबल सॉरी मुझे पसंद नहीं है. मुझे लेकिन उस तरह की मूवीज यार, मुझे एक्शन मूवीज पता नहीं ज्यादा पसंद नहीं. मुझे साईफाई बहुत पसंद है, मतलब जो थोड़ी इस तरह की जैसे ग्रेविटी, इंसेप्शन, शटर आइलैंड मुझे बहुत पसंद है. मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक है लियोनार्डो डिकैप्रियो, बहुत पसंद है मुझे उनकी एक्टिंग हद से ज्यादा. टाइटैनिक तो मतलब सबको पसंद है. टाइटैनिक का मुझे सॉन्ग पसंद है सबसे ज्यादा, तो जो है ना वो एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स आई सी यू आई फील यू दैट इज हाउ आई लव यू गो ऑन नीयर फार वेयरएवर यू आर I believe that my heart go on. ये पहला अंग्रेजी गाना था मेरी लाइफ में जो मैंने अटेम्प्ट भी किया था गाने का, तो मैं अभी भी इसको अच्छे से गा नहीं पाता, लेकिन मुझे बहुत पसंद है. मंजुल सिंह कह रही है उनकी फेवरेट है एवेंजर्स मूवी. दीप यादव कह रहे हैं ग्रीन लैंड कौन सी मूवी है? ग्रीन लैंटर्न मूवी है. आयुष चिपा कह रहे हैं लव यू ब्रो, ये कौन सी मूवी है? नहीं मुझे पता है, वो लव यू मुझे कह रहे हैं. थैंक यू ब्रो, आई लव यू टू. और बोधन पूजा कह रही है टाइटैनिक फेवरेट मूवीज. गौडा पूर्णी कह रहे हा 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 हंसने का साइन होकी पोकी. क्रिश गर्ग योर फेवरेट एक्ट्रेस द गट्सी गर्ल योर फेवरेट एक्ट्रेस. मेरी फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, क्रश है अपनी यार, बहुत पसंद है. और बर्फी मूवी के बाद में तो प्रियंका चोपड़ा मुझे इतनी पसंद आ गई ना, जो उन्होंने एक्टिंग करी थी बर्फी मूवी में वो इतनी पसंद आ गई मुझे कि मतलब मैं क्या बताऊं तुमको यार, बहुत ज्यादा. और नितेश शाकला कह रहे हैं जुरासिक वर्ल्ड उनकी फेवरेट मूवी है. लची तुरकर कह रही मोहब्बत है उनकी फेवरेट मूवी है. केदिया ऋषि आई लव यू, ये कौन सी मूवी है? मोद सैफ कह रहे हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन, अरे यार मस्त. निशांत कह रहे हैं एवेंजर्स का न्यू पार्ट 2019 में वेटिंग. भाई मैं भी वेट कर रहा हूँ एवेंजर्स का नेक्स्ट पार्ट के लिए. और अब अपन लाइव चैट अच्छा यहीं पे खत्म करते हैं. और आज ना मुझे शायद सबसे ज्यादा मजा आया, सच बताऊं तो लाइव चैट में आज मुझे सबसे ज्यादा मजा आया बात करने में, क्योंकि ऐसा लगा मतलब एक इंटरेक्शन सा हो रहा है, मतलब बातचीत सी हो रही है. हर बार क्या मैं ही बोलता हूँ और तुम सुनते हो, ज्यादातर मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ. आज अपन ने कोशिश करी जितना ज्यादा कमेंट्स हो सके पढ़ने की, जिनके नहीं पढ़ पाए उनको बहुत बहुत सॉरी है यार. और बहुत बहुत ज्यादा मजा आया लाइव चैट में मुझे तो. तुमको कैसा लगा बताओ मुझे, अगर लाइव चैट में नहीं बता पाओ तो मुझे DM करना, मुझे कमेंट करना पिक पे या किसी पे भी. मैं जरूर कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, मैं भले ही रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ DMs का या कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन पढ़ता सारे हूँ. मतलब ये तुम लिख लो, मुझे टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट, मैं कोशिश करता हूँ जितने ज्यादा हो सके DMs पढ़ने की. तो कैसा लगा जो भी तुम्हारा कैसा लगा आज का इंटरेक्शन मुझे जरूर बताना DM में. मुझे तो बहुत मजा आया और बहुत ज्यादा अच्छा लगा. और हाँ मिनी मिलिशिया वाले अलग से तुम मुझे DM करना, अभी तुम्हें बताता हूँ भाई साहब. मिनी मिलिशिया में अपन घर के चैंपियन है और मजा आएगा खेल कर साथ में.
प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे मिल ही जाएगा, बस मुझे पसंद है यार, अब एक ही तो गेम पसंद है मुझे, मैं क्या एक टाइम पे एक ही गेम पे फोकस करता हूँ। तो हाँ अभी अपन बाकी बातें बाद में करेंगे, बाकी बातें पीने बाद, तो बाकी बातें अपन बाद में करेंगे। और टेक केयर तान्या गिरकेरी, मैं कल के लिए थोड़ी नर्वस भी हूँ। ऑल द बेस्ट तान्या, तान्या कल उनका फर्स्ट डे है, उनकी जॉब लगी है, अपनी फैमिली की मेंबर है तान्या गिरी, आप सब जानते होंगे, उनके हर बार पोस्ट पे कमेंट आते हैं, हर बार लाइव चैट में भी आती हैं, और मेरी बहुत लाडली है तान्या। तो तान्या का कल कल उनका फर्स्ट डे है, उनकी जॉब लगी एज अ टीचर, वो इंग्लिश पढ़ाने वाली हैं एक एक स्कूल में। तो ऑल द बेस्ट तानिया तुझे, मेरी तरफ से और हम सबकी तरफ से भी, और बढ़िया से यार करियो फाड़ू एकदम शानदार, तेरा पहला दिन है जॉब का यार, मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है तेरे लिए, और बढ़िया मजे करना। एंड थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर कमिंग लाइव, थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर, और जल्दी मिलते हैं फिर से अपन लाइव पे, और आई लव यू ऑल एंड थैंक यू अगेन, प्लीज टेक केयर। और हाँ मेरा दिल तो वही है वही, अरे चन्ना मेरे, मैंने प्रॉमिस किया था राइट, तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, और दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, बाय बाय बाय।